यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू हो चुकी है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आपत्तिजनक पोस्ट पर 3 साल से उम्र कैद तक की सजा होगी। डिजिटल एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देगी सरकार। तो ये बड़ी खबर सोशल मीडिया को लेकर के, यहाँ पर एक अहम फैसला लिया गया है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी अब प्रदेश में लागू। तो ये बड़ी जानकारी यूपी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जाहिर है जिस तरीके से हाल के वक्त में हमने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाई जाती है, कई बार आपत्तिजनक कॉन्टेंट यहाँ पर परोसे जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। यूपी में सोशल मीडिया पर अगर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो अब लोगों की खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रावधान लाया गया है, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल कैबिनेट की बैठक हुई और इसी बैठक में फैसला लिया गया। यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सोशल मीडिया पर काम करने वाले एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था भी इस दौरान की गई है। आपको बताते चले कि अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए IT एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई पॉलिसी लेकर के आई और इसके तहत अब जो सजा का प्रावधान है उसको कठोरतम कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया गया तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी और अपने आप में ये फैसला बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण। यूपी की सरकार ने ये अहम फैसला लेते हुए नई सोशल मीडिया पॉलिसी प्रदेश में लागू कर दी है। दरअसल सरकार की योजना है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कहीं ना कहीं समाज के ताने बाने को खराब करने के लिए, अव्यवस्थित करने के लिए होता है, दरअसल उसको सुदृढ़ किया जा सके और इसी वजह से पॉलिसी सरकार लेकर के आई है। अवनीश विद्यार्थी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अवनीश, सरकार का फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, सोशल मीडिया पॉलिसी, इस पॉलिसी में आखिरकार क्या कुछ अहम है? देखिए, महत्वपूर्ण यही है कि इस बार जो सोशल मीडिया पॉलिसी 2024 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट में मंजूरी से मिलाई थी मंगलवार को, उसमें खासतौर पर किस तरीके से सोशल मीडिया पॉलिसी के माध्यम से जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिस तरह से मीडिया के लिए काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेनिफिट करा है, इसके साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो सके, ये हिस्सा है पूरी जो पॉलिसी है उसका। दूसरा हिस्सा ये है कि जो लोग इसके माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, इस तरह की सरकार की छवि या देश की छवि या प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार ने उनको सख्ती का भी तय किया इसी पॉलिसी के तहत। वैसे में जो सोशल मीडिया पर खासतौर पर जो फेक ट्रेंड या एंटी नेशनल ट्रेंड चलते हैं या एंटी नेशनल फेक नैरेटिव डेवलप किया जाता है, इन मामलों में भी सरकार जो है वो आगे कार्रवाई कर सकेगी। हालांकि इस बात को लेकर के अभी कई सारे कानूनविद जो है वो उनके अलग अलग मत हैं कि इसको लेकर के सरकार इसको एग्जीक्यूशन में कैसे ला पाएगी, क्या इसके लिए कुछ और भी कानून भी जो है दंड संहिता में लाने पड़ेंगे, इस तरह की भी कोशिश चीजें जो है सामने आ रही। फिलहाल अभी आवश्यक बात यह है कि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पॉलिसी या डिजिटल पॉलिसी जो है वो 2024 की ला दी गई, इसमें सजा के साथ साथ प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। तो दो बातें जो अवनीश बता रहे, एक तो ये कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आम जनता के कल्याण के लिए अगर जो लोग कर रहे हैं सरकार उनको प्रोत्साहित करते हुए, क्योंकि डिजिटल एजेंसी और फर्म को विज्ञापन सरकार देगी तो जाहिर है कैसे में उनकी आर्थिकी में भी सुधार आएगा और इसको लेकर के सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया। दूसरा अहम यह है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए करता है तो उस पर सरकार की तरफ से अब सख्ती की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात अवनीश, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो कि आपत्तिजनक पोस्ट या फिर समाज के ताने बाने को खराब करने की कोशिश करते हैं, अब सरकार के इस ठोस कदम से जाहिर है कि उस पर भी लगाम लगेगी। देखिए, इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि कानून बहुत सारे पहलू से किए प्रावधान में IT एक्ट के अंतर्गत दूसरे और प्रावधान लगाम लगा पाने के बगैर मुश्किल होती है, कानून की जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। लेकिन सही है कि क्योंकि सोशल मीडिया के जैसे प्रसार बढ़ा